इसके अंदर ना हाल फरवरी के दिन जा सकते हैं हम लोग 25-26 को इसके अंदर जाने का, और प्राइस भी काफ़ी सही है, ले लेते हैं फिर। ओके, इसका क्या प्राइस है? ओनली नूस्केडी का। यहाँ पर फिलिपिनो बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा। सालमिया में आके मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुवैत में रहता हूँ, तो कुवैत सिटी में उतना सही मतलब उतना माहौल नहीं बनता यार। हम लोगों ने बस तो ब्लॉग बहुत देख लिया, अब डायरेक्ट मिलते सालमिया में। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर लड़कियाँ हैं ना, आकर के यहाँ पर देख सकती हैं। खाना आ चुका है, ये है चिकन टिक्का, वो है मंचूरियन, वो पुलाव। वंस अगेन मोहम्मद फिरोज खान इज़ हियर। यो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं सालमिया। अभी मैं मालिया में हूँ, रूम पर गया नहीं, डायरेक्ट जॉब से आ गया मालिया में। तो अभी लगा है मेरे को भूख, तो सोच रहा हूँ कि चलते हैं सालमिया में, एक नुक्कड़ रेस्टोरेंट है वहाँ पर चल के कुछ खाते पीते हैं और नुक्कड़ के फूड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों को पता है मैं फूडी ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि चलो चलते हैं। और जो भी वहाँ पर हम लंच करेंगे, लंच ही रहेगा हमारा, क्योंकि अभी हम कुछ खाए नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock, तो चलते हैं सालमिया। यहाँ से 15 नंबर बस पकड़ेंगे सिटी से। अभी मैं हूँ मालिया में, मालिया से कुछ 15 या 20 किलोमीटर है सालमिया। तो चलते हैं सालमिया और नुक्कड़ को, नुक्कड़ के खाने को देखते हैं। तो बहुत सुना हूँ नाम नुक्कड़ का, और नुक्कड़ में मैं गया भी हूँ। तो अभी राइट नाउ में हूँ मालिया में, तो यहाँ से हमें 15 नंबर बस पकड़ना है। तो 15 नंबर बस यहाँ से मिलेगा हमें, पकड़ते हैं और निकलते हैं, ठीक है? हम डबल डक्कर बस पकड़ेंगे, सिंगल नहीं, डबल डक्कर का वेट करते हैं। डबल डक्कर आने दो, 103X हम चलेंगे डबल डक्कर में। ओके, मैं डबल डक्कर बस में इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ इसमें ना व्यू दिखता है अपने को। अरे भाई रुक जा, चलिए चलिए, हमारे पास छुट्टा भी नहीं है पास के लिए। व्यू देखिए आप लोग, ये है लिप्रेसन टावर, इधर को है सिटी मुर्गाव। तो यहाँ से व्यू क्या जबरदस्त दिखता है ना। आजादी का प्रतीक माना जाता है इसको, ऐसे बनाया गया है और इसमें कभी कभी एग्जीबिशन लगता है कभी कभी, तो ये मृगाव में आता है पूरा। ट्राई करेंगे इसमें इसमें जाने का कभी, वल्ला ट्राई करेंगे कभी इन फ्यूचर, ट्राई किया जाएगा इसके अंदर जाने का। इसके अंदर ना हाल फरवरी के दिन जा सकते हैं हम लोग 25-26 को। अभी जो गया है उसमें जा रहे थे, लेकिन फैमिली वाले सब जा रहे थे, बैचलर नहीं जा रहे थे। तो अपन ट्राई करेंगे इसके अंदर जाने का। ये आपको दिख रहा ना, ये जो है ये कुवैत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये वाली दूर है ना, इसलिए छोटी दिख रही है। जो कुवैत में है वो तो डबल डक्कर बस में घूमे होंगे, जो इंडिया से देख रहे ना आइएगा जब भी कुवैत, तो डबल डक्कर बस में ज़रूर घूमिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सामने बैठ करके व्यू इतना अच्छा लगता है ना क्या ही बताऊँ। और आप लोग परफ्यूम ऑर्डर कर रहे हो कि नहीं? तो परफ्यूम आया अपना, तो ऑर्डर करो और ट्राई करो, उसके बाद कमेंट में अपना राय दो कैसा है कैसा, ठीक है? देख लो ना आप लोग, ये मस्जिद रोड के बीचों बीच बनी है, इधर रोड उधर रोड उधर रोड इधर रोड, बीच में है मस्जिद। बताओ ऐसे कहाँ होता है, ऐसा सिर्फ गल्फ कंट्रियों में ही होता है। डबल डक्कर बस में बैठ करके ऐसा लगता है कि हम ही ड्राइव कर रहे हैं, और सामने के नज़ारे ऐसे दिखते हैं कि क्या ही बताएं, सब कुछ दिखता हुआ आराम से हम एंजॉय करके कुछ हाथ में ले लो, खाते हुए जाओ, ऐसा लगेगा कि मूवी देख रहे हो। हाँ कभी कभी अगर ज़्यादा धूप रहता है तो थोड़ा सा सूरज से मतलब प्रॉब्लम होता है। और यहाँ के बस स्टॉप वगैरह मैं आपको दिखाते चलूँ, ये देखिए यहाँ पे बस स्टॉप ऐसा रहता है, ये KPTC का बस स्टॉप है, यहाँ पे KPTC KGL का हर बस का अलग अलग बस स्टॉप रहता है। और यहाँ से हम सिग्नल से मुड़ेंगे तो यहाँ का व्यू सबसे शानदार लगता है मेरे को। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि बिल्डिंग है नज़दीक नज़दीक है, लेकिन बिल्डिंग है बहुत दूर दूर पे, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्डिंग बहुत नजदीक। और ये जो है ये आसिमा मॉल, इस मॉल में हम काफी बार आ चुके हैं, आप लोग भी अगर आइएगा नए हैं तो कभी इस मॉल के अंदर घूमिएगा, मजा आता है। ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे, यहीं पे बस दिखेगी आपको। तो यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है लेकिन बस रुक जाता है कहीं कहीं पे, तो यहाँ पर लोग खड़े होकर के बस और टैक्सी का वेट करते हैं। हम लोगों ने बस स्टॉप ब्लॉग बहुत देख लिया, अब डायरेक्ट मिलते हैं सालमिया में। बस स्टॉप ब्लॉग मतलब बताओ, ऑटो ब्लॉग, आप मोटो ब्लॉग आप लोगों ने देखा है, लोग मोटो ब्लॉग करते हैं, अपन ने नहीं किया है बस स्टॉप ब्लॉग।
बस से ब्लॉग कर रहा हूँ इसीलिए। तो मिलते हैं डायरेक्ट साथ में। ओके लास्ट बार देख लो भी कोई फ्लाइट। जी जी हम उतर चुके हैं सालमिया में और यहाँ से अभी हम थोड़ा जाएंगे मार्केट में। मेरा शूज़ जो है ना ये देख लो, ये भी पुराना हो गया और एक था वो भी पुराना हो गया। तो अभी मेरे को देखना है शूज़, सैलरी आएगी तो जाकर के लेंगे अभी। तो ये एरिया अपोलो के सामने ही है, सुख सालमिया आई थिंक। आप लोग जान जाओ सुख सालमिया में मैकडोल के बगल में, यहाँ पर लड़कियों के लिए मार्केट लगता है, बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं। अभी वो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, शाम के टाइम ओपन होगा आई थिंक 6 बजे या 5:30-6 बजे तक होगा। अभी टाइम क्या हो रहा है देख लो, ओपन होगा जल्दी। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर लड़कियाँ हैं ना आकर के यहाँ पर देख सकती हैं, मतलब सेल लगा होता है ऐसा समझ लीजिए। मस्त एरिया है यार, यहाँ पर हर जगह पर होटल, बढ़िया बढ़िया होटल है देख रहे हो ना, और फाउंटेन वगैरह, पार्किंग भी क्या जबरदस्त है। पार्किंग मतलब गाड़ी वाली पार्किंग नहीं, ये पार्क। एक से एक होटल मिलेंगे आपको यहाँ पे, रहने दुकान बहुत सस्ते सस्ते रहते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, सालमिया में आके मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुवैत में रहता हूँ, तो कुवैत सिटी में उतना सही मतलब उतना माहौल नहीं बनता, यहाँ पर आकर के माहौल बनता है और मज़ा आता है। ये सब ऐसे शॉप रहते हैं यहाँ पर, ये माहौल रहता है, हर जगह पे आपको होटल देखने को मिलेगा। तो सालमिया मस्त लगता है मेरे को, मन तो करता है कि यहीं पर आकर रह जाऊँ। यहाँ पर चीज़ें भी बहुत सस्ते सस्ते मिलती हैं, यानी कि 5 KD फिक्स प्राइस आप कम करा सकते हो, ठीक है। कैप मिल रहा है, सालमिया एक तरफ से सस्ता एरिया भी है और थोड़ा सा महंगा, मतलब अमीरों के लिए यहाँ पर रेंट काफ़ी महंगा रहता है, अमीरों के लिए ये एरिया रेंट की बात करें तो। वैसे चीज़ें सस्ती मिलती हैं कुवैत सिटी के अगर मुकाबले देखा जाए तो, कुवैत सिटी में थोड़ा महंगा महंगा चीज़ें मिलता है। तो ओनली NewsKD का देखो, बोलूँगा कि आओ सालमिया आकर के घूमो, लेकिन 5 बजे के बाद अभी देखो कुछ भी ओपन नहीं हुआ यहाँ पर, सब बंद है। 5 बजे के बाद आओ सालमिया घूमो इस एरिया में। सोचोगे कि फिरोज तो जा रहा था नुक्कड़ पे, यहाँ पे क्या करने आ गया। तो नुक्कड़ जो है वो सालमिया में एक मतलब कॉर्नर जगह पे है नुक्कड़ का होटल, नुक्कड़ उस होटल का नाम ही है। तो वहाँ पर मेरे को 5:30 या 6 बजे तक जाना होगा, मैं सोचता कि उससे पहले अगर जल्दी आ गया हूँ तो सोख सालमिया को एक्सप्लोर कर देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना मेरे दोस्तों, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, नहीं पसंद आए तो लाइक करना, ना चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। ओके 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 करना, आप फ्रेश हो सकते हो ऐसे। हाँ 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 मज़ा आ रहा है। तो नुक्कड़ पर इसलिए लेट करके जा रहा हूँ क्योंकि नुक्कड़ में बाहर बैठ के खाना होता है, तो वहाँ पर अभी धूप होगा इसलिए मैं थोड़ा सा लेट करके जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे गर्मी लगेगी। दिखाते आपको, दिखाएंगे आपको नुक्कड़ का पूरा इंतज़ाम कैसा रहता है, वहाँ के फूड ज़बरदस्त रहते हैं भाई। हाँ मैं जा रहा हूँ अपने जो हमारे जानने वाले हैं जहाँ पर हम ब्लॉग बनाए वहाँ पर शोज़ वगैरह थोड़ा देखने के लिए। तो ये है उनका शॉप, शूज़ तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त आया यार, देख लेते हैं। ऑर्डर आया है भाई बता रहे, इसका क्या प्राइस है? 8 KD। ये है 8 KD का, तो मैंने अभी तक जितने भी शूज़ लिए ना सालमिया में यहीं से लिए हैं, कुवैत में जब से मैं आया हूँ यहीं से मैंने सोच लिया जितने भी लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये लेकर के मेरे को 1 साल हो गया, अभी तक सही चल रहा है, बस थोड़ा सा गंदा हुआ है जैसे, अभी कहीं फटा वटा नहीं है। हाँ हाँ भाई ओके, देख लो आप लोग एक बार अच्छे से। तो मिलते हैं आप लोगों से देख करके। ओके यहाँ पर आके मेरे को 6-7 महीना हो गया, तो जो पहले यहाँ के वो थे ना स्टाफ थे वो चेंज हो गए, तो अभी ये सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पर टिकटॉक बन रहा है। ये अच्छा सालमिया में बहुत सारे टिकटॉकर है, बहुत सारे। तो चलते हैं यहाँ से फिर निकलते हैं, और धीरे धीरे ओपन हो रहा है यहाँ पर, चल के देखते हैं इसके अंदर। 1.5 KD सही लगा यार, येलो कलर का, येलो इज माई फेवरेट, और ठंडी अभी आने वाली है तो सोच रहा हूँ कि इसे ले लिया जाए, ले लेते हैं ना, सही लग रहा है और प्राइस भी काफ़ी सही है, ले लेते हैं फिर। ओके तो आप लोग यहाँ पर अगर आओगे ना तो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाओगे, तो प्राइस भी बहुत ही अच्छा है और चीज़ें भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो सालमिया आओ और यहाँ से लेकर जाओ कुछ ना कुछ।
पॉप ओपन हुआ कि हुआ कि नहीं, ये लोग आने लगे यहाँ पर। पीले पीले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर लेकर के निकलते, वो एक जॉकर मेरे को पसंद आया तो उसे लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। चलिए फिर उसके ले आ गया पैसे लेकर के मिलते हैं यहाँ से। ओके, ये रहा नुक्कड़। नुक्कड़ के अंदर चलना है हमें और जो भी होगा आपको दिखाना। चलिए पार्क कर लिया जाए गाड़ी। चलिए फ्रेंड्स पहुँच गए सालमिया। सालमिया में ऑलरेडी थे, कोई हमें पिक करने आया वो भी हमारे साथ में, लेकिन वो ब्लॉग में नहीं आ सकते। तो फिर हम चलते हैं और नुक्कड़ में बैठ के बातें करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, चलिए। ये जी नुक्कड़। हाँ, ऑर्डर किया चाय पीते हैं, उसके बाद खाना ऑर्डर करते हैं। वैसे मेरे को लगता है यही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एसी नहीं है, ओनली पंखे से हवा मिलता है। बाकी अभी तक तो मैंने ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं देखा जो बिना एसी के है। ये पूरा बाहर है ना, आउट में यहाँ से आप देख सकते हो। इसके लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर लेट में आना ही सही रहता है। खाना आ चुका है, ये है चिकन टिक्का, वो है मंचूरियन, वो पुलाव, ये है नान, बटर नान। तो टूट पड़ते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं खाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, सो नुक्कड़ से निकल चुका हूँ। तो यार नुक्कड़ का खाना मतलब कि दो यानी तीन बार हो गया मेरे को यहाँ पर आकर के, तो बिल्कुल ही बढ़िया रहता है। तो अगर आप लोग भी आना चाहो नुक्कड़ में तो आओ। तो फिर यहाँ से अब निकलते हैं सालमिया से अपने रूम के लिए। तो सालमिया में आया, नुक्कड़ का खाना खाया, आप जा रहे हो अपने रूम पर। बस का वेटिंग कर रहा हूँ, बस स्टॉप पर हूँ। तो यहाँ पर पूरे डबल डेकर बस जा रहे हैं, हम भी डबल डेकर बस का वेट कर रहे हैं। बस आएगा उसके बाद निकलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट्स ऑफ के जीरो फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।